ये मेमन सोरेन लातेहार के खेल मैदान में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह सह ऋण वितरण मेगा शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला खेल स्टेडियम में मेगा शिविर का से मेमन सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख और जोवा मांझी ने शुभारंभ किया। इस दौरान पलामू प्रमंडल में किसानों के बीच 337 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। इसके साथ ही कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। अब झारखंड के किसान कहलाएंगे बिरसा किसान। इस योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। केसीसी ऋण शिविर में लातेहार, पलामू, गढ़वा के लाभुक किसान शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। किसानों के आंदोलन को रोकने की केंद्र सरकार कोशिश की, लेकिन किसानों ने काले कानून को समाप्त करा दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की ताकत कितनी होगी, और यही वजह है कि हमारे अग्रणी नेताओं ने किसानों को हमेशा से सम्मान देने का काम किया। लेकिन मौजूदा व्यापारियों की सरकार अगर किसानों को हम सम्मान देते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, और एक प्रकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को मजबूत और उनको स्वावलंबी बनाने की कोई सरकार काम करती है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने का वो संकल्प लेते हैं। सरकार बनने के बाद हमने बहुत गहराई से इसका चिंतन किया कि राज अलग तो हमारे पूर्वजों ने इसी सपने के साथ किया था कि यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के पिछड़ों का, यहाँ के अल्पसंख्यक का, यहाँ के किसानों का दशा सुधरेगा, भूखमरी की स्थिति नहीं होगी, यहाँ कोई लोग भूखा नहीं सोएगा। यही सपना लेकर के ना जाने कितना कोना कोना में हम लोग का लोग शहीद हो गया। आप लोग को गवाह है, कोई भी आधारभूत संरचनाएं नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं, खाद समय पर नहीं मिलता, बीज समय पर नहीं मिलता, किसान करेगा क्या। और इस बार हम लोगों ने समय से पहले भी बीज वितरण करने का योजना बनाया और खाद भी समय पर आपको मिले ये भी सुनिश्चित करने का हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया। अभी भी व्यवस्था में बहुत पूर्णतया बदलाव नहीं हुआ, इसके लिए समय लगेगा, क्योंकि 20 साल तक इन लोगों ने पूरी तरीके की चीजों को बर्बाद करके रख दिया। आप धीरे धीरे चीजों को पटरी में लाने में समय लगेगा। आप जानवरों का भी पालन कीजिए, चाहे वो मछली पालन